ओम ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाद्वैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरूपेष्ट कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 44। सुत उवाच प्रत्येतां कालपादे परिनुक्त्या किलोदया मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव मायया। सुत गोस्वामी सेड, The Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for His glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as His mystic power. तो कुंती महारानी का सब प्रार्थना सुन के तो सुत गोस्वामी बोलते हैं चॉइस वर्ड्स, मतलब चुने हुए शब्द। तो कुंती महारानी के श्लोक इतने सुंदर हैं कि अनगिनत सालों से महान महान जो ऋषि मुनि हैं कुंती महारानी के प्रार्थना को अर्पण करते हैं। कुंती महारानी स्त्री थी, माँ थी, गुरुकुल तो गई नहीं थी, फिर भी उनकी प्रार्थना इतने सुंदर है, क्योंकि जब किसी के हृदय में भक्ति होता है तो भगवान प्रेरणा देते हैं सही शब्दों का। तो ये सब प्रार्थना सुन के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान स्माइल करते हैं, और भगवान का ये जो स्मित हास्य है वो देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान का मिस्टिक पावर, जो योगिक शक्ति है, वो सब उसमें है। परपोर्ट, एनीथिंग दैट इज एन्चैंटिंग इन द वर्ल्ड इज सेड टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। तो ये भौतिक दुनिया में अगर कुछ भी चीज़ अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, तो उसका मतलब क्या है, भगवान का कुछ अंश है उसमें, भगवान की शक्ति है। जैसे गीता के 10वां अध्याय है, उसका नाम है विभूति योग, द ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड। तो विभूति योग में अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आपका शक्ति का दर्शन कराइए मुझे, आपके अलग अलग विभूति का। तो भगवान अलग अलग चीज़ बताते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पानियों में से मैं समुद्र हूँ, ऐसा अलग अलग कृष्ण वर्णन करते हैं। और एंड में बोलते हैं कि ये मैंने जो बताया छोटा सा ग्लिम्स था। दुनिया में आप कुछ भी चीज़ अच्छा देखेंगे, आकर्षक लगेंगे, क्या समझना चाहिए, ये मेरे शक्ति के वजह से ही हो रहा है। द कंडीशन सोल्स हु आर एंगेज इन ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर द मटीरियल वर्ल्ड आर ऑल्सो एन्चैंटेड बाई हिज मिस्टिक पावर्स, बट हिज डिवोटीज आर एन्चैंटेड इन अ डिफरेंट वे बाई द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो जो बद्ध जीव हैं और भक्त हैं, दोनों भगवान से आकर्षित होते हैं, आकर्षण होता है। पर फर्क क्या है, भक्तों का भगवान के प्रति इनडायरेक्टली आकर्षण होता है भगवान के माया के द्वारा,
और भक्तों का कृष्ण से डायरेक्टली आकर्षण होता है। तो हर कोई अंत में कृष्ण की पूजा करता है। फर्क क्या है, भक्त कृष्ण की डायरेक्टली पूजा करते हैं और अभक्त क्या करते हैं, माया की पूजा करते हैं जो कृष्ण की शक्ति है। दिस डिवोटीज आर एंटाइटल्ड इन डिफरेंट वे बाय द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज मर्सीफुल ब्लेसिंग्स आर अपॉन देम। और इसलिए है क्योंकि भक्त भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, तो भगवान का जो कृपा का आशीर्वाद है ऐसे भक्तों पर रहता है। हिज एनर्जी इज डिस्प्लेड इन डिफरेंट वेज एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क्स इन मैनिफोल्ड कैपेसिटीज। श्रीमती कुंती देवी हैज प्रेड टू द लॉर्ड जस्ट टू इनंशिएट अ फ्रैगमेंट ऑफ हिज ग्लोरीज। तो कुंती महारानी की इतने प्रार्थना है, उसमें क्या कर रही है, भगवान का जो थोड़ा सा यश है उनका गुणगान कर रही है। ऑल हिज डिवोटीज वर्शिप हिम इन दैट वे बाई चूजन वर्ड्स एंड देयर फोर द लॉर्ड इज नोन एज उत्तम श्लोक। क्योंकि भक्त जो है भगवान का गुणगान करते हैं बहुत चुनिंदा शब्दों से, बहुत सुंदर शब्दों से, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। नो अमाउंट ऑफ चूजन वर्ड्स इज सफिशियंट टू इमेमोरेट द लॉर्ड्स ग्लोरीज एंड येट इज सैटिस्फाइड बाई सच प्रेयर्स एज द फादर इज सैटिस्फाइड इवन बाई द ब्रोकन लिंग्विस्टिक अटेम्प्ट ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। तो हम भगवान के गुणगान करने के लिए कितना भी सुंदर शब्द यूज करें वो भगवान के लिए कमी है, फिर भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा छोटा सा बच्चा है बोलने के लिए सीखता है, पापा मम्मा एक तरह से बोलने को भी नहीं आता उसको, और वो अटेम्प्ट से पिताजी खुश हो जाते हैं, ट्राई कर रहे हैं। जैसे अगर बच्चे को अपने पिता को गिफ्ट देना है, पिताजी का बर्थडे है, तो बच्चा क्या करेगा, पिताजी के जेब से पैसा लेगा और गिफ्ट खरीद के पिताजी को देगा। तो पिताजी नहीं बोलते उसको अरे मेरा पैसा तो मुझे ही दे रहा है, नहीं, पिताजी उसका भाव स्वीकार करते हैं। बच्चा है, खुद का पैसा कहाँ रहेगा, अरे तो मेरा ही है पर प्रेम से दे रहा है। इसलिए भगवान, हम सबसे अच्छा शब्द भी यूज़ करेंगे भगवान के लिए कम है, पर भगवान क्या देखते हैं, भावग्राही जनार्दन, भगवान हमारा भाव देखते हैं, कौन से भावना से हम बोल रहे हैं। द वर्ड माया इज यूज बोथ इन द सेंस ऑफ डिल्यूजन एंड मर्सी। हियर इन द वर्ड माया इज यूज इन द सेंस ऑफ लॉर्ड्स मर्सी अपॉन कुंती देवी। तो इसलिए जो माया शब्द है उसका दो अर्थ होता है, एक तो इल्यूजन, दूसरा है कृपा, प्रेम, प्रेम को भी माया बोलते हैं। तो यहाँ पे जब शब्द आता है मोहयन इव माया, मतलब भगवान कृष्ण कुंती के प्रेम से इतना आकर्षित होते हैं, भगवान स्माइल करते हैं, हंसते हैं। 645 ताम बादन इति उपामंत्र्या प्रविश्य गजसावयम् प्रियश्च स्व उदम याश्वन् प्रेम्णा राजन् निरारिता निवारिता। Thus attempting, accepting the prayers of Srimati Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur. तो कुंती महारानी के प्रार्थना स्वीकार करके भगवान रथ पे चढ़ के हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhishthir, who implored him lovingly. तो भगवान जब निकल रहे हैं तब अभी कौन आता है, युधिष्ठिर। हमने देखा कि ये अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण निकल रहे थे तो पहले कौन आती है, उत्तरा आती है और बोलती है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आता है उससे मदद करो। तो भगवान उत्तरा को मदद करते हैं, निकलने ही वाले रथ पर चढ़ गए, कुंती देवी आती है और प्रार्थना अर्पण करती है। तो भगवान सुनते हैं, बाकी जो रानियाँ हैं उनसे मिलते हैं, भगवान निकलने वाले हैं, अभी युधिष्ठिर आता है पिक्चर में। तो अलग अलग लोग आते हैं, तो पांडव कृष्ण को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो बार बार अलग अलग बहाने से हर कोई आता रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं परपोर्ट। नो वन कुड मेक लॉर्ड कृष्णा स्टे एट हस्तिनापुर व्हेन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट फॉर द्वारका, बट द सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ किंग युधिष्ठिर दैट द लॉर्ड रिमेन देयर फॉर अ फ्यू डेज मोर वॉज इमीडिएटली इफेक्टिव। तो जब कृष्ण निकलने वाले थे तो युधिष्ठिर आते हैं उधर और युधिष्ठिर बोलते हैं कृष्ण को थोड़े दिन रुक जाओ, और कृष्ण रुक जाते हैं।
तो भगवान जो है हमेशा भक्तों के अधीन रहते हैं, चाहिए तो निकल सकते थे, फिर भी अपने भक्तों को कभी दिल दुखाते नहीं है भगवान। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया था उन्होंने मकर संक्रांति के दिन, वो तुरंत वृंदावन जाने वाले थे, वो निकल गए वृंदावन की ओर, पर नित्यानंद और बाकी भक्तों को लगा कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाएंगे तो वापस आएंगे ही नहीं, तो इसलिए हमको कुछ करना चाहिए। तो नित्यानंद ने चीटिंग किया चैतन्य महाप्रभु के साथ और एक लड़के को भेजा, और नित्यानंद उसको बोले जब चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे वृंदावन का रास्ता किधर है, शांतिपुर का रास्ता दिखाओ। तो लड़का ने दिखा दिया और चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आ गए, और वहाँ पे सब भक्त लोग और उनकी जो माँ है सती देवी उनको बोलती है आप वृंदावन मत जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड क्या किया था, मुझे वृंदावन जाना है संन्यास लेने के बाद। उनकी माँ बोलती है नहीं आप जगन्नाथपुरी जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ठीक है, जगन्नाथपुरी चले गए उधर। और जगन्नाथपुरी में जाने के बाद बहुत बार वो प्रयास करते हैं वृंदावन जाने का, हर बार भक्त बोलते वो भक्तों को पूछते थे मैं जाऊँ क्या अभी, भक्त बोलते थे नहीं अभी रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा रुक के आप बाद में चले जाओ, रथ यात्रा आता था बाद में भक्त बोलते थे अभी जन्माष्टमी आ रहा है जन्माष्टमी करके आप जाओ। ऐसा कर करके बहुत साल बीत गए, तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने छोड़ा ही नहीं। बाद में चैतन्य महाप्रभु उनसे आज्ञा लेते हैं, बहुत हो गया अभी तो आज्ञा दे दो, सब भक्त बोलते हैं ठीक है अभी जाके आओ। तो कहने का मतलब है जो भगवान भी हैं ये एटिकेट फॉलो करते हैं, अपने भक्तों के आशीर्वाद से ही कुछ करते हैं। तो कृष्ण जब युधिष्ठिर बोलते हैं कृष्ण को कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, तो कृष्ण रुक जाते हैं। दिस सिग्निफाइज द पावर ऑफ किंग युधिष्ठिर वॉज लविंग अफेक्शन विच द लॉर्ड कुड नॉट डिनाई। तो युधिष्ठिर के पास शक्ति क्या था, क्योंकि उनका भक्ति था इतना प्रेममयी भक्ति, इसलिए भगवान उसको ना नहीं कह पाए। तो अल्टीमेटली हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं, भक्ति की वजह से ही करते हैं। जब कोई हमसे प्रेम करता है तुरंत हम उनका रिक्वेस्ट मान लेते हैं। द ऑलमाइटी गॉड इज फर्स्ट कॉन्कर्ड ओनली बाय लविंग सर्विस एंड नथिंग एल्स। तो इसका सार क्या है, भगवान को अगर जीतना है तो भक्ति से ही जीता जा सकता है। He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the loving affection of his pure devotees. तो भगवान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, भगवान के प्लान को कोई चेंज नहीं कर सकता, पर एक व्यक्ति चेंज कर सकता है। भगवान जो भक्त है भगवान के प्लान को भी चेंज कर सकता है। भगवान एक प्लान करेंगे पर भक्त डिसाइड करेंगे और कुछ करना है, तो भगवान भी अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो प्रतिहासेर निबुध्यत शुचार्पिता। किंग युधिष्ठिर वॉज मच अग्रीव्ड, कुड नॉट बी कन्विंस्ड डिस्पाइट इंस्ट्रक्शंस बाय ग्रेट सेजेस हेडेड बाय व्यास द लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ एंड द परफॉर्मर ऑफ सुपर ह्यूमन फीट्स एंड डिस्पाइट ऑल हिस्टोरिकल एविडेंस। तो ये अगले अध्याय का कनेक्शन है, ये जो अंतिम थोड़े श्लोक है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर को इतना बुरा लगता है, युधिष्ठिर को लगता है कि मेरे वजह से इतने लोगों का हत्या हो गया। तो हर कोई युधिष्ठिर को कन्विंस करता है, व्यासदेव आके कन्विंस करते हैं नहीं आपके वजह से नहीं दुर्योधन के वजह से हुआ, आप तो चाहते थे कि युद्ध नहीं हो, फिर भी दुर्योधन बहुत एडामेंट था बहुत जिद्दी था इसके वजह से युद्ध हुआ, आप कारण नहीं है। पर युधिष्ठिर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कृष्ण आके युधिष्ठिर को बोलते हैं आप कारण नहीं हो, आप दुखी मत हो जाओ, आप कारण नहीं है इन लोगों के हत्या का। कृष्ण के समझाने के बाद भी युधिष्ठिर तैयार नहीं है। तो इसलिए अगले अध्याय में देखते हैं जब कृष्ण भी नहीं समझा पाए युधिष्ठिर को, भीष्मदेव समझा देते हैं युधिष्ठिर को। परपोट द पायस किंग युधिष्ठिर वॉज मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ दिस मास मैसेकर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एस्पेशली ऑन इस अकाउंट। तो युधिष्ठिर है जब देखते हैं कि इतने लोगों का हत्या हुआ है, युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगता है।
जो भक्त है हमेशा उसका हृदय कोमल रहता है, दूसरों के दर्द से उसको बहुत दर्द होता है। इसलिए जो भक्त है अगर उसने भी गलती नहीं किया वो गलती अपने आप पे स्वीकार करता है। दुर्योधन वॉज देयर ऑन द थ्रोन एंड ही वॉज डूइंग वेल इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन वन सेंस देयर वॉज नो नीड फॉर फाइटिंग। तो एक तरह से दुर्योधन राजा तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा चल रहा था तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस युधिष्ठिर वॉज टू रिप्लेस हिम। द होल क्लिक ऑफ पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड दिस पॉइंट एंड ऑल द किंग्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड बिकेम इन्वॉल्व इन दिस फाइट बिटवीन द राइवल ब्रदर्स। पर धर्म के अनुसार राजा किसको बनना था, युधिष्ठिर को बनना चाहिए था, तो इसलिए ये पूरा युद्ध हुआ। और एक्चुअली ये परिवार का युद्ध था, पर ये पॉइंट में सब लोग आ गए एक साथ। जैसे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है, शुरुआत होती है दो कंट्री से, पर बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं, थोड़े इस तरफ थोड़े उस तरफ जुड़ के पूरा युद्ध हो जाता है। लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑल्सो देयर ऑन द साइड ऑफ किंग युधिष्ठिर। इट वॉज सेट इन द महाभारत आदि पर्व 20 दैट 64 crore मेन वर किल्ड इन द 18 days ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड सम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स वर मिसिंग। तो महाभारत में वर्णन आता है आदि पर्व में कि 64 crore लोग 18 दिन के युद्ध में मर गए और हजारों हजारों लोग गायब हो गए थे। प्रैक्टिकली दिस वॉज द ग्रेटेस्ट बैटल विद इन 5000 years। तो हमको लगता है कि वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू सबसे बड़ा था, पर उसके पहले वर्ल्ड वॉर जीरो था, ये कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा युद्ध था। दिस मास किलिंग सिंपली टू एंथ्रोन महाराज युधिष्ठिर वॉज टू मॉर्टिफाइंग, सो ही ट्राइड टू बी कन्विंस विद एविडेंसेज फ्रॉम हिस्ट्रीज बाई ग्रेट सेजेस लाइक व्यास एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ दैट द फाइट वॉज जस्ट बिकॉज द कॉज वॉज जस्ट। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लगा कि इतने लोगों का हत्या हुआ है, और व्यासदेव और कृष्ण अलग अलग कोटेशन देते हैं अलग अलग शास्त्रों में कि ऐसा बहुत बार हुआ है और धर्म की स्थापना के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि लक्ष्य हमारा सही है। बट महाराज युधिष्ठिर वुड नॉट बी सैटिस्फाइड इवन दो ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द टाइम। कृष्णा इज डेजिग्नेटेड हियर इन एज द परफॉर्मर ऑफ सुपर ह्यूमन एक्शंस। तो युधिष्ठिर इतने लोगों के समझाने के बाद भी युधिष्ठिर कन्विंस नहीं होते हैं। कृष्णा इज डेजिग्नेटेड हियर इन एज अ परफॉर्मर ऑफ सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज बट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस नीदर ही नॉर व्यास कुड कन्विंस किंग युधिष्ठिर। तो कृष्णा यहाँ पे वर्णन आता है कि बहुत अद्भुत कार्य करते हैं, पर यहाँ पे कृष्णा युधिष्ठिर को कन्विंस कर नहीं पाए। डज इट मीन दैट ही फेल्ड टू बी सुपर ह्यूमन एक्टर? नो, सर्टनली नॉट। इसका मतलब है कि कृष्णा फेल हो गए क्या? नहीं। द इंटरप्रिटेशन इज दैट लॉर्ड एज ईश्वर और द सुपर सोल इन द हार्ट ऑफ बोथ किंग युधिष्ठिर एंड व्यास परफॉर्म्ड स्टिल मोर सुपर ह्यूमन एक्शंस बिकॉज द लॉर्ड डिजायर्ड इट। तो भगवान ये कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का इच्छा था कि आगे जाके भीष्म देव का गुणगान होना चाहिए। एज सुपर सोल ऑफ किंग युधिष्ठिर ही डिड नॉट अलाउ द किंग टू बी कन्विंस्ड बाई द वर्ड्स ऑफ व्यास एंड अदर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही डिजायर्ड द किंग हियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डाइंग भीष्म देव हु वॉज अनदर ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो कृष्ण चाहिए तो युधिष्ठिर को कन्विंस कर सकते थे, पर परमात्मा के रूप में उन्होंने युधिष्ठिर को कन्विंस करने को नहीं दिया ताकि भीष्मदेव का गुणगान हो जो भगवान के और एक महान भक्त हैं। तो कृष्ण का पूरे लीलाओं को देखेंगे, कृष्ण को आनंद कब आता है? जब उनके भक्तों का गुणगान होता है। तो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने सब कुछ किया, पर गुणगान किसका हो रहा है? अर्जुन का हो रहा है। तो वैसे ही आगे जाके हम देखेंगे कि कृष्ण ये लीला करते हैं, युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं कर पाते तो भीष्मदेव कन्विंस करते हैं। तो भगवान क्या करना चाहते हैं? भीष्मदेव का गुणगान करना चाहते हैं। द लॉर्ड वॉन्टेड दैट एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज मटीरियल एग्जिस्टेंस द ग्रेट वॉरियर भीष्मदेव सी हिम पर्सनली एंड सी हिज बिलवड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव जो अभी अंतिम समय में है उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हो और उनके जो पोते हैं पांडवों का दर्शन हो। किंग युधिष्ठिर एक्सेट्रा नाउ सिचुएटेड ऑन द थ्रोन एंड थस पास अवे वेरी पीसफुली, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके स्पेशली राजा के रूप में, क्योंकि भीष्मदेव को हमेशा बुरा लगता था
कि युधिष्ठिर जो सबसे पुण्य राजा है, अजात शत्रु हैं, उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट हुआ है, तो हमेशा देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। तो इसलिए राजा के रूप में भीष्मदेव को दर्शन देने के लिए कृष्ण ये लीला करते हैं। भीष्मदेव वॉज नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड टू फाइट अगेंस्ट द पांडवस हु वर हिज बिलव्ड फादरलेस ग्रैंड चिल्ड्रन। तो भीष्मदेव को कभी अच्छा नहीं लगा कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना है, पर परिस्थिति की वजह से उनको करना पड़ा। बट द क्षत्रियज आर ऑल्सो वेरी स्टर्न पीपल एंड देयरफॉर ही वॉज ऑब्लाइज टू टेक द साइड ऑफ दुर्योधन बिकॉज ही वॉज मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ दुर्योधन। पर क्योंकि दुर्योधन ने भीष्म का पालन किया था एटलीस्ट एक्सटर्नली, तो इसलिए उनको झगड़ा करना पड़ा। बिसाइड्स दिस द लॉर्ड ऑल्सो डिजायर्ड दैट किंग युधिष्ठिर बी पैसिफाइड बाई द वर्ड ऑफ भीष्मदेव सो दैट द वर्ल्ड कुड सी दैट भीष्मदेव एक्सेल्ड इन ऑल नॉलेज इंक्लूडिंग द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव का गुणगान हो और पूरे दुनिया को पता चले कि भीष्मदेव का जो ज्ञान है भगवान के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। मतलब भगवान भीष्मदेव का गुणगान करना चाहते हैं। टेक्स्ट 47। आह राजा धर्मसुतश चिंतयन सुरदान वदन प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशंगता। किंग युधिष्ठिर सन ऑफ धर्म ओवरवेल्म्ड बाय द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज अग्रीव्ड जस्ट लाइक अ कॉमन मटेरियलिस्टिक मैन। ओ सेजेस थस डिल्यूडेड बाय अफेक्शन ही बिगैन टू स्पीक। तो युधिष्ठिर कृष्ण के पास जाते हैं और ऐसा वर्णन आता है कि जैसे एक साधारण व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार मरते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो युधिष्ठिर को भी ऐसा ही भावनाएं आ रही थी और भगवान के प्रति बहुत प्रेम से युधिष्ठिर कृष्ण को संबोधित करते हैं। पर बोल किंग युधिष्ठिर तो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू बिकम अग्रीव लाइक अ कॉमन मैन बिकेम डिल्यूटेड बाई वर्ल्डली अफेक्शन विद द विल ऑफ द लॉर्ड जस्ट एज अर्जुना वॉज अपेरेंटली डिल्यूटेड। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि युधिष्ठिर जो इतने महान राजा हैं वो भी साधारण व्यक्ति की तरह शोक करे? तो ये भगवान के लीला के वजह से होता है। जैसे अर्जुन को भी मोहित हुए थे और अर्जुन भी शोक कर रहे थे, क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन के द्वारा भगवद्गीता हम सबको बोल सके। तो यहाँ पे युधिष्ठिर को भ्रम में डालते हैं भगवान ताकि ये लीला के द्वारा भीष्मदेव का उपदेश मिले पूरे दुनिया को। अ मैन हु सीज नोस वेल दैट द लिविंग बीइंग इज नीदर द बॉडी नॉर द माइंड बट इज ट्रांसेंडेंटल टू द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख सकता है कि जो जीव है वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, इन दोनों से परे आत्मा है। द कॉमन मैन थिंक्स ऑफ वायलेंस एंड नॉन वायलेंस इन टर्म्स ऑफ द बॉडी बट दैट इज अ काइंड ऑफ डिल्यूजन। तो जो साधारण व्यक्ति है वो अहिंसा और हिंसा कैसे देखता है? शारीरिक स्तर पे देखता है। एवरी वन इज ड्यूटी बाउंड अकॉर्डिंग टू वंस ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। तो हर एक का ये दुनिया में कुछ कार्य है, सबको अपना कार्य करना पड़ेगा। अ क्षत्रिय इज बाउंड टू फाइट फॉर द राइट कॉज रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। तो वैसे ही क्षत्रिय का धर्म क्या है? झगड़ा करना। क्षत्रिय मतलब उसको युद्ध करना है, उसका साइड ऑपोजिट साइड कौन सा भी रहे, खुद का रिश्तेदार भी रहे, तो उसको झगड़ा करना पड़ता है। इन सच डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनिहिलेशन ऑफ द मटीरियल बॉडी विच इज ओनली एन एक्सटर्नल ड्रेस ऑफ द लिविंग सोल। तो हमारा जो धर्म है वो करते हुए, हमारा जो ड्यूटी है वो करते हुए, कभी भी हमको शरीर के रूप के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स रिस्क लेके मदद करते हैं क्योंकि उनका कार्य है, करना पड़ेगा, किसी न किसी को रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऑल दिस वॉज परफेक्टली नोन टू महाराज युधिष्ठिर बट बाई द विल ऑफ द लॉर्ड ही बिकेम जस्ट लाइक अ कॉमन मैन बिकॉज देर वॉज अनदर ग्रेट आइडिया बिहाइंड दिस डिल्यूजन। तो महाराज युधिष्ठिर ये सब जानते थे पर भी साधारण मनुष्य की तरह युधिष्ठिर ब्रह्म में आते हैं क्योंकि इसके पीछे भगवान कृष्ण का कारण था। द किंग वुड बी इंस्ट्रक्टेड बाई भीष्म एज अर्जुना वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई दी लॉर्ड हिमसेल्फ। तो कारण क्या था? जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो वैसे ही कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को भीष्मदेव उपदेश देने चाहिए।
टेक्स्ट 48, अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रुदं दुरात्मना पारकस्यैव देहस्य भव्यो मे शोभनिर्हता। किंग युधिष्ठिर सेड, ओ माय लॉर्ड, आई एम मोस्ट सिंपल मैन, जस्ट सी माय हार्ट विच इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। This body, which is ultimately meant for others, has killed many, many phalanxes of men. तो युधिष्ठिर अपना शोक बताते हुए भगवान को बोलते हैं, हे भगवान देखिए मेरे से ज़्यादा और कोई पापी व्यक्ति नहीं है। ये शरीर किसके लिए दिया है? दूसरों को मदद करने के लिए। पर मैंने ये शरीर से क्या किया है? इतने सारे लोगों का हत्या कर दिया है। परपोट, अ सॉलिड phalanx ऑफ 21,870 chariots, 21,870 elephants, 1,09,650 infantry and 65,600 chivalry is called one Akshoni. तो महाभारत में वर्णन आता है अक्षौणी सेना, जैसे कौरवों का 11 अक्षौणी सेना था और पांडवों का 7 अक्षौणी। तो एक अक्षौणी सेना में क्या क्या होता है? 21,870 chariots, इतने रथ होते हैं, 21,870 elephants, हाथी, 1,09,650 infantry, जो पाँव में चल रहे हैं soldiers, 65,000 chivalry, chivalry का मतलब है घोड़े, घोड़सवार, इतना एक अक्षौणी होता है। तो महाभारत में हर एक चीज़ का कैलकुलेशन है। जैसे रामायण में वर्णन आता है, जब राम वानर सेना को लेके जाते हैं रावण के पास, कितने वानर थे? अनगिनत, करोड़ों वानर थे। वो वानर को गिनने के लिए रामायण एक अलग मैथ्स का पद्धति देता है, कितने वानर थे। तो वैसे ही हमारे ग्रंथों में जो भी लिखा है, शास्त्र है, साइंस है, एग्जैक्ट फिगर्स है। एंड मेनी अक्षौणीज वर किल्ड ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ये कितना हो गया? एक अक्षौणी जो मैंने पढ़ा अभी, ऐसे 18 अक्षौणी सेना मर गए। महाराज युधिष्ठिर एज द मोस्ट पायस किंग ऑफ द वर्ल्ड टेक्स फॉर हिमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच किलिंग सच अ ह्यूज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज द बैटल वॉज फॉट टू री इंस्टेट हिम ऑन द थ्रोन। जो भक्त है हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गलती उसका भी नहीं है तो उसको लगता है कि गलती मेरा है। जनरली लोग क्या करते हैं? गलती उनका है, दूसरों को दोष देते हैं। भक्त क्या करते हैं? शुद्ध भक्त, गलती उनका नहीं है, गलती किसी और का है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ले लेते हैं। दिस बॉडी इज आफ्टर ऑल मेंट फॉर अदर्स, व्हाइल देयर इज लाइफ इन दिस बॉडी इट इज मेंट फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स एंड व्हेन इट इज डेड इट इज मेंट टू बी ईटन बाय डॉग्स, जैकल्स और मैगट्स। तो ये शरीर किसके लिए दिया है? दूसरों के सेवा में। जब जिंदा है तब ये शरीर किसके लिए यूज़ होना चाहिए? दूसरों के मदद करने में। और मर जाने के बाद भी ये शरीर दूसरों के सेवा में यूज़ होता है। जैसे थोड़े कल्चर में शरीर को दफनाते हैं, थोड़े कल्चर में जलाते हैं, थोड़े कल्चर में छत के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो गीद है वो आके खाए। तो अल्टीमेटली किसी न किसी की सेवा में आता ही है। ही सॉरी बिकॉज फॉर सच टेम्पररी बॉडी सच ए ह्यूज मैसेकर वॉज कमिटेड। इसीलिए ये जो शरीर है दूसरों की मदद से आना चाहिए, पर युधिष्ठिर को लगता है दूसरों की मदद आने से मैंने दूसरों का जिंदगी ले लिया, इसलिए वो पश्चाताप करते रहते हैं। तो हम टेक्स्ट 49 से कल सुबह के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।